अच्छा जरा पाँव रखो ना, ऐसे दबाओ, दबाओ ये ले, ऐसे ऐसे दबाते हैं ऐसे ऐसे। नियत नहीं है, नियत नहीं, अभी भी दर्द हो रहा है। मेरी कजन की शादी थी तो इन्होंने ना मतलब कि वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी। इनके पास आईफोन था तो मुझे कहते हैं आओ हम वीडियो बनाते हैं, तो इन्होंने मेरे साथ वीडियो बनाई। आईफोन के चक्करों में मेरे साथ सेट हुई है, आईफोन के चक्करों में सेट हुई है। आके ना इन्होंने मुझे प्रपोज कर दिया। भाई घर थे तो मेरे भाई को कहता यार बहुत भूख लगी जल्दी कुछ लेके आ, उनको बाहर निकाल दिया, मैं बहाना लगाया भूख का ऐसे करके। और ऐसे करके मैंने कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। बच्चे कितने होने आप लोगों के? नहीं बच्चे उन्होंने हाथ नहीं रखना, रश पा देना रश। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MYK न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकरा आबेद और मेरे साथ आज एक बहुत ही खूबसूरत कपल मौजूद है। 17 साल का लड़का, 16 साल की लड़की। मजे हैं लड़के के, मतलब 17 साल का है और 15 साल की उम्र में इन्होंने पहली शादी की थी, 17 साल की उम्र में इन्होंने दूसरी शादी की है। तो इनकी जो दूसरी बीवी है वो हमारे साथ मौजूद है और इनसे बात करते हैं। मतलब अच्छी बात है, आप शादी कर लो, यंग एज में आपकी शादी हो जानी चाहिए, बट फिर भी पूछना चाहिए कि लोग 30-30 साल की उम्र हो गई उनकी, एक ही शादी नहीं हो रही है और ये बच्चा देखो मतलब पता नहीं इसने क्या खाया है कि 17 साल की उम्र में इसने दो शादियां कर ली है। तो इनसे बात करते हैं, इनसे मज़ेदार किस्म की ना आगे बात को बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप सबसे पहले ये बताएं कि आप अपनी बात कर रहे थे कि 30-30 साल में अभी तक शादी नहीं हुई। खुदा का होकर मैं अभी 17 साल की हूँ, मैं 30 साल जो हमारे कैमरा मैन है या जो बाकी जो लोग हैं ना उनकी बात कर रही थी। फिर तो हम अभी पैदा नहीं हुए अगर आप 17 साल की है तो। 15 साल की उम्र में पहली की थी ना, पहले उसके बारे में बताओ कि वो लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी। वो लव मैरिज थी, लड़की जो थी वो नॉन मुस्लिम थी। अच्छा। उसको मुसलमान किया, उसके बाद उनसे निकाह किया था, पापा से मिलवाया। हाँ। पापा से पापा ने ये नहीं कहा कि तू नॉन मुस्लिम है क्यों घर लेके आए हो, ये है वो है। पापा ने बहुत कहा, मैंने कहा पापा हमें कई हजों का स्वभाव मिलेगा, इसको मुसलमान कर लेते हैं। मुझे तो अपना मतलब था, मैंने कहा पापा आप ऐसे ऐसे जन्नत में जाएंगे अगर हम इसको मुसलमान कर लेंगे। पापा कहते हैं कि चलो ठीक है, पापा भी यानी कि कुरान पाक पढ़े हुए हिफ्ज़ हैं, उन्होंने काफ़ी स्टडी किया इन चीज़ों पर, कहते कि हाँ ये बात भी ठीक है। 8-9 माह हमारा रिश्ता चला था, शादी वगैरह झगड़ा हो गया तो उसके बाद छोड़ दिया उसको। 2 साल आपने रेस्ट किया? हाँ जी 2 साल, 1 साल रेस्ट किया, उसके बाद अगली तैयारी करनी शुरू कर दी है। तैयारी करते करते फिर इनसे शादी। मुझे बताओ कि मतलब एक बंदे की ऑलरेडी शादी हुई हुई थी तो कैसे मान गई आप कि उसकी तो ऑलरेडी शादी हुई हुई है, ये नहीं कहा कि क्यों भाई? मेरी कजन की शादी थी, उधर ये भी आए थे, मैं भी थी। अच्छा आप लोग फैमिली रिलेटिव्स हो आपस? जी हम रिलेटिव हैं। तो उधर आए तो इन्होंने ना मतलब कि वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी, इनके पास आईफोन था तो मुझे कहते हैं आओ हम वीडियो बनाते हैं, मेरा मोबाइल अच्छा है तुम्हारा मोबाइल थोड़ा सा ना ऐसे वैसे। मैंने कहा ठीक है यार अच्छी बात, हम बना लेते, कजन है बना लेते। तो इन्होंने मेरे साथ वीडियो बनाई, चक्करों में मेरे साथ सेट हुई है, ये आईफोन के चक्करों में सेट हुई है। हालांकि ये मुझे रोक सकती थी कि वीडियो नहीं बनाओ, इसका भी दिल था आईफोन देखती नहीं, नहीं, नहीं। नहीं। मैं आईफोन के पीछे नहीं थी ये, वैसे मैं कह रही थी वीडियो अच्छी बनेगी आईफोन का, मुझे कोई ज्यादा प्यारी फिल्टर में ज्यादा प्यारी होगी। अल्लाह वैसे भी बहुत ज्यादा प्यारी थी तो तुम पीछे आए हो ना, ना होती तो तुम कहाँ होते। वो तो मैं बस तुम्हारा दिल रख रहा था, तुम्हें कोई देख नहीं रहा था, मैंने कहा यार चलो मैं इसको देख लूं। अल्लाह का शुक्र है काफी कजन पीछे पड़े हुए अभी भी मैसेज आते हैं। तो ना इन्होंने मतलब ऐसे मैंने वीडियो बना ली इनके साथ, तो इन्होंने मुझे बोला व्हाट्सअप का नंबर दो आपको व्हाट्सअप कर देता हूँ, कर दूंगा। हाँ वही नंबर लेने का बहाना था, वीडियो बना ली। मैंने कहा चलो ठीक है मैं देती थी व्हाट्सअप, मैंने व्हाट्सअप का नंबर दिया। इन्होंने मुझे रात को वीडियो सेंड की 12 बजे, तो 12 बजे मैसेज करने स्टार्ट हो गए ऐसे ही, अस्सलाम वालेकुम कहाँ हो क्या कर रही हो कैसी हो मुझे तुम्हारी याद आ, डायरेक्ट मुझे कह रहे कि तुम्हारी याद आ रही थी आज मुझे। लेकिन मैंने सबसे पहले डायरेक्ट नहीं मैंने कहा था, मैंने पहले कहा था चाचू कैसे हैं, आंटी कैसी है, फिर मीठा छोटे कैसे हैं। उनकी बेटी को जब उनकी बेटी को देखा था उससे पहले भी कभी चाचू का हाल अहवाल पूछा था? नहीं कभी नहीं, मैं तो इनके घर कभी गया ही नहीं था। मतलब नीना था तब जब मतलब निकला फिर इसने हाल पूछा, सबको पूछा, फिर ऐसे किया कि आना जाना स्टार्ट कर दिया, घर वालों के लिए चीजें लाता था मेरे लिए, मतलब कि जैसे लड़की को सेट करता ना लड़का। फिर एक दिन आए, हाँ आके ना इन्होंने मुझे प्रपोज कर दिया घर पे आए। तो घर वाले कहाँ थे उस टाइम पे? मेरे घर वाले बाहर गए, तो भाई घर थे तो मेरे भाई को कहता यार बहुत भूख लगी जल्दी कुछ लेके आ, उनको बाहर निकाल दिया, मैं बहाना लगाया भूख का, वो खाना लेने चले गए। इन्होंने अभी ना मुझे सुना, मैं बात सुनने गई छत पे गए हम लोग, तो इस ना उधर मुझे प्रपोज कर दिया इसने।
जैसे होता नहीं फिल्मों में लड़के प्रपोज करते हैं लड़की को, वैसे इन्होंने प्रपोज किया बैठ के। अभी करके दिखाओ जरा, करके दिखाओ। ये ऐसे मैं मैंने इधर आ जाए ना, आप इधर आ जाए, मुझे देखना ले भी रही थी ना सर। हाँ जी ऐसे बात की, ऐसे बात करके तो मैंने इनको ऐसे ये पेंट कितना गंदी हो जाए ऐसे करके, और ऐसे करके मैंने कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। अरे तूने हाथ पकड़ लिया था? हाँ ऐसे किया था भाई, मतलब अच्छा लगा था मुझे भी ये, मैंने वो देखा था फिल्मों में, मैंने कहा था कोई लड़का मुझे भी करेगा प्रपोज। यार थोड़ी शौकी है मार, ये सच्ची तरीके करता था, ये झूठ बोल रहा है। मेरे लिए गुलाब के फूल लेके आता था कि तुम इसके जैसे मर जाए हुए नहीं लगते बेगम से के भी बातें कर रहे हो, घर तो बेगम के साथ ही जाना है। मेरी बात सुने ना आपके सामने, वो थोड़ी इज्जत रख लेगी, मारेगी नहीं घर जाके, फिर जो होना है वो तो होना ही होना है। तो फिर ये जाने या अल्लाह जाने जो इसके साथ होना है घर जाके। डरते हैं आपसे बहुत ज्यादा? डरते हो कि नहीं? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। हर टाइम ये लोग लड़ते रहते हो हर टाइम आप लोग? अभी ये थोड़ी और बहस हो जाए बस आता भाई, मुक्के मुक्के शुरू हो जाएंगे। आते कैसे एक दूसरे को? बड़ी मुश्किल से, बहुत बताओ पाउंड। ये ना ये बताओ बताओ पाउंड बात। अच्छा जरा पाँव रखो ना, ऐसे दबाओ दबाओ, ये ले ऐसे ऐसे दबाते हैं ऐसे ऐसे। नियत नहीं है, नियत नहीं, अभी भी दर्द हो रहा है। नियत मैं वजू करके आऊँ फिर नियत बांध लूंगा कि नियत कर नमाज नहीं पढ़नी, पाँव दबाने हैं। नियत यहाँ से होती है, कहाँ से होती है? है तुम्हारे पास ये है? ये है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा है। कहाँ पे है? होता तो तुम जरा थोड़ा सा ध्यान देती। नहीं नहीं ये सही कह रहे, मेरा मेकअप खराब नहीं करता, मेरे पास दिमाग नहीं है, तभी तो मैंने शादी इससे की है। दिमाग होता तो किसी और से, नहीं नहीं शहनशाह से करती। ओ शहनशाह, कौन सा शहनशाह? तुम्हें कोई मुंह नहीं लगाता, शुक्र करो मैंने तुम्हें मुंह लगा लिया। वो तो बेटे हैं मेरी खाला के बेटे हैं, वो जिनका नाक से पानी निकल रहा था वो वाले, ऐसे ऐसे करके टूंडे ऐसे ऐसे जो चलते हैं वो वाले। यार तुम तो सीधा चलते हो ना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक चलता हूँ, चलते चलते गिर जाते हो, मैं ही उठाती हूँ आके। वो गिर जाता हूँ, तुमने दिमाग इतना मेरा खाया हुआ है कि तुम्हें क्या ही बताओ। बस कर दो बस कर दो बस कर दो, लड़ाई हो गई। मुझे ये बताओ कि होता तो ये अल्लाह के हाथ में है, लेकिन आप लोगों का को कोई प्लान है कि मतलब बच्चे कितने होने आप लोगों के? नहीं बच्चे उन्होंने हाथ नहीं रखना, रश पा देना रश। बस करो यार, पूरी क्रिकेट टीम करनी है हमें, क्रिकेट टीम भी होती है ना वो। चाहते हो ये पार्क तुम्हारे बच्चों से भरी हो? गहरी बात है, ये सारे यहाँ पे हमारे बच्चे खेलेंगे, हम ऐसे बैठे रहेंगे। अच्छा लड़ना बंद करो, मुझे एक बात बताओ कि अभी मतलब आप लोग वाकई बहुत छोटे हो और लगते भी बहुत छोटे छोटे हो, तो आप इनके घर में हो और ऊपर से कोई आंटी मोहल्ले की आ गई हो, रिश्तेदार आ गए हो, तो उन कहेंगे कि इसका रिश्ता करवा दो या आपका रिश्ता करवा दो? हमने अभी घर चेंज किया कुछ टाइम पहले ही, तो वहाँ पर अभी हम रह रहे हैं, तो एक आंटी है हमारे साथ, हम सही रहते हैं, बहुत बातें करती हैं। तो वो कुछ दिन पहले हमारे घर वैसे आई थी, अगले दिन आ गई जी रिश्ता लेकर, कहते हैं ये आपकी जो बेटी है इनके साथ हमने शादी वगैरह, यानी कि ये वो हमारी लड़की की। मैंने बड़े भाई के अंदर से सामान पड़ा, मैं उठा के उनके पीछे लग गया, मैंने कहा ये क्या, मेरी बीवी है, मेरी बीवी से मुझे ही कह रही है कि रिश्ता चाहिए। वो आंटी ऐसे परेशान, आपकी वाइफ है? मैंने कहा और क्या, कहती बेटा माजर मुझे पता नहीं लगा। मैंने कहा दोबारा पौड़ियाँ नहीं चढ़ना तू। मेरी गैरेज जाग रही, लाओ 500 रुपए। तो आप अभी आपने माशाल्लाह से 15 साल की उम्र में पहली की है, 17 में दूसरी की है, तो 18 तक तीसरी कर लेंगे और चौथी भी, मतलब 4 करे और 18 साल की उम्र में कंप्लीट करना है। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत है, सुनना तो सारी तुमने पूरी करनी है। ये बेचारे क्या करेंगे बाकी? ये सारे मेरा मुंह देखा करेंगे, ऐसे ही इंटरव्यू लिया करेंगे। अगर कोई लड़की चाहती है तो शादी कर ले, पर एक टांग टूटी वाला लड़का होगा, उसकी एक आंख नहीं होगी और एक टांग नहीं होगी, अनटच कुवारा लड़का बना दूंगी। अनटच कुवारा लड़का चाहिए तो वेलकम, आ जाओ मेरी बहनों। ऐसे ही होता है शादियों पे, फिर एक दूसरे के लिए ढूंढने होते हैं रिश्ते। मुझे भी बुला लेते तो मेरा भी भला हो जाता, मैं भी कोई शादी शुदी कर लेती। नहीं वहाँ 30 साल वाले बाबे कोई भी नहीं थे, बस मेरे पापा ही थे, उनके अलावा कोई 30 साल वाला बाबा नहीं था। और वहाँ पे कोई आंटियां भी नहीं थी, बस लड़कियां ही थी। ऑफ करो, अस्तगफुरुल्लाह मान जाएंगे, तस्वीर तो दिखा दो बाबा, मेरे पापा की। बस करो यार क्या हो गया। अगर डेली आप लोगों की शरारते को देखना चाह रहा है तो वो क्या करे? हमने व्लॉग वगैरह शुरू किए, व्लॉग तो वो चैनल का नाम है राणा 222 222, वहाँ पे राणे हो जी? राणे राणा 222 222 है मेरे चैनल का नेम है,
तो वहाँ पे आके आप चेक कर सकते हैं, वो लोग वगैरह मैं बनाता हूँ। उम्मीद है कि आपको राणा साहब 2222 पसंद आए होंगे और इनका कपल जो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कपल है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। दोबारा आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, हमें दें तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।